मैं अपने एक्साइटिंग एडवेंचर कैंप से वापस आ गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इट वॉज टेरिफिक। बहुत सारे एडवेंचर गेम्स, फायरवर्क्स और सॉन्ग्स थे कैंप फायर के अलॉन्ग। और गेस व्हाट, मुझे पहली बार इलेक्ट्रिक ईल देखने को मिला। इलेक्ट्रिक ईल्स के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये करंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्मॉल फिशेस और एनिमल्स को स्टन और मार सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट्स केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं? ये अब हमें केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे वंडर्स की ओर ले जाता है। आपने जाना है कि हर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या साउंड के फॉर्म में। हमने ऑलरेडी हीट के बारे में अपने पिछले सेशन में जान लिया है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और साउंड के टर्म्स पे अकर करती है केमिकल रिएक्शंस के टाइम। इलेक्ट्रिक ईल पे वापस जाते हैं। केमिकल रिएक्शन जो ईल की जैपिंग एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिएक्शन है। वेल, इलेक्ट्रिक ईल में होने वाला रिएक्शन बैटरीज में होने वाले केमिकल रिएक्शन के जैसे होता है। बैटरीज के बिना हमारे गैजेट्स पावरलेस होते हैं, है ना? तो ये पावर आता है बैटरीज के अंदर होने वाले रिएक्शन से। इन रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। क्या आपने चिलिंग थंडरस्टॉर्म एक्सपीरियंस किया है? वेल, मैंने किया एडवेंचर कैंप के टाइम। अचानक से बारिश हुई और एक मोमेंट के लिए लाइटनिंग भी हुई। हमारे गाइड ने हमें ट्री से दूर रहने को कहा। आपको पता है ऐसा क्यों है? वेल, ट्रीज हाईली लाइकली होते हैं लाइटनिंग से टकराने के लिए। लाइटनिंग में इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि ट्रीज एक्सप्लोड करते हैं जब लाइटनिंग उन्हें हिट करती है तो। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा इतनी स्केरी नहीं होती। हम उसे लैब में काफी यूजफुल प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट से पास किया जाता है तो वो ब्रेक करता है कॉपर और सल्फेट आयंस में। ऐसे रिएक्शंस कई जगह अप्लाई किए जाते हैं, जैसे मेटल्स रिफाइन करने में। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो रिएक्शंस जो अकर करते हैं रिलीज या एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, उन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मूविंग ऑन, अब उन रिएक्शंस को देखते हैं जो लाइट के रिलीज या एब्जॉर्प्शन के साथ अकर होती है। ये मुझे फायरफ्लाइज की याद दिलाते हैं जो मैंने देखे थे। वाओ, कितना सुंदर नजारा था। तो फायरफ्लाइज जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन से होती है जिसमें लाइट रिलीज होती है। लाइट तब भी रिलीज होती है जब हम फायरवर्क्स जलाते हैं, राइट? तो ऐसे रिएक्शंस जो लाइट के रिलीज के साथ अकर करते हैं, उन्हें केमिल्यूमिनेसेंट रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जब ऐसे रिएक्शंस फायरफ्लाइज में होते हैं, तब उन्हें बायोल्यूमिनेसेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस में लाइट रिलीज होती है, लेकिन दूसरे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें लाइट एब्जॉर्ब्ड होती है। क्या आप ऐसे एक रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं? कम ऑन, एक ट्राई तो होता है। ये रहा हिंट। वेल यस, इट इज फोटोसिंथेसिस। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए लाइट एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में जरूरी होती है। ऐसे रिएक्शंस जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के साथ होते हैं, उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और लास्टली देखते हैं वो रिएक्शंस जिनमें साउंड इन्वॉल्व होता है। जब हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, हम ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट के अलावा क्या चेंजेस देखते हैं? यस, द अनोइंग साउंड। कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिलीज ऑफ साउंड इन्वॉल्व होता है। इन रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हम ऐसे चेंजेस लैबोरेटरी में भी देख सकते हैं। जब हम एक बर्निंग स्प्लिंटर हाइड्रोजन गैस की तरफ लाते हैं, तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। वापस अपने कैंप पे जाते हैं। हमारे गाइड ने हमें बैट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताया था। वो प्रे और ऑब्स्टिकल्स को अल्ट्रासाउंड की मदद से लोकेट करते हैं। अमेजिंग है ना? तो अल्ट्रासाउंड इज अ फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। क्या आपको पता है साउंड एनर्जी लैब में भी यूज होती है? एक एग्जांपल है एक गैस का जिसे एसिटिलीन कहते हैं। ये साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करके कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक होता है। ऐसे रिएक्शंस में साउंड एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ग्रेट, केमिकल रिएक्शंस में हीट का रिलीज या एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है। अब हमने देख लिया है कि कैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड के फॉर्म में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है।
अब जल्दी से हमने आज जो भी सीखा उसको समराइज करते हैं। हर केमिकल रिएक्शन में हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्प्शन या रिलीज इन्वॉल्व होता है। रिएक्शंस जिनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है और वाइस वर्सा, उन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें लाइट रिलीज होती है उन्हें केमिल्यूमिनेसेंट रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिलीज ऑफ साउंड इन्वॉल्व होता है। इन रिएक्शन में केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी इन्वॉल्व होता है। यहाँ साउंड एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।